हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लिप्टी गाइड। और आज के इस वीडियो में सबको एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज जो रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC। जो सेंट्रल का जॉब है उसके लिए नोटिफिकेशन आया है जिसमें आपका जूनियर इंजीनियरिंग यानी डिग्री और डिप्लोमा, ज़्यादातर यहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। तो इस वीडियो को अगर आप शुरू से लास्ट तक देखें तो हर एक जानकारी आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो स्टार्टिंग एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है वो 1 अक्टूबर 2020 से लेके 30 अक्टूबर 2020 के बीच में आप इसको ऑनलाइन में फिलअप कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो कि 30 अक्टूबर ही है। और इसके लिए जो पेमेंट है वो आपको करना होगा 1 नवंबर 2020 में। ये टाइमिंग भी यहाँ पे दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार चेक करके ज़रूर। तो ये सब आप कर सकते हैं। और जो भी है ऑफलाइन आप चालान अगर बैंक में जाके देना चाहते हो उसका भी लास्ट डेट। और जो एग्ज़ाम होगा दो टाइप का होगा, दो एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट पेपर जो होगा वो आपका कंडक्ट हो रहा है 22/3/2021 से लेके 25/3/2021 के बीच में। जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो होगा, और जो सेकेंड एग्ज़ाम है वो आपका होगा इसके बाद, यानी इसके बाद रिजल्ट जब पब्लिश होगा जो क्वालिफाएगा उसके लिए। और उसके बाद तो नोटिफिकेशन आएगा उस हिसाब से आपको बोल दिया जाएगा जो ये कब होगा। तो फिलहाल के फर्स्ट का जो एग्ज़ाम है वो उसका भी डेट अभी मेंशन किया है। तो जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिस स्टेट से, तो वो एक बार यहाँ पे आप मेंशन कर किया हुआ है तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप जरूर एक बार ध्यान से इसको देख लीजिएगा। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो आपका ले रहा है जिस स्टेट का वैकेंसी है वो है आपका जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये जो ट्रेड है इनमें से कोई भी ट्रेड होने पे आप इस पोस्ट के लिए यानी कि इस SSC के इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। और एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है इसमें अगर आपका क्वालिफिकेशन है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका पोस्ट होगा ग्रुप बी में होगा, नॉन गैजेटेड होगा। और जो पे लेवल होगा पोस्ट 6, कुछ सैलरी इस तरह है 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में। और जो है और उसके साथ के 7 पे कमीशन, सेंट्रल पे कमीशन उसका भी आपका मिल जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह है जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में यानी कि CPWDB है। और उसके साथ सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन उसका भी है, सेंट्रल वाटर कमीशन का भी है, और डायरेक्टर ऑफ क्वालिटी एंड इंश्योरेंस नेवल। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये आपका पोस्ट हो रहा है। उसके साथ ही वेस्ट बंगाल का जो है फेमस एक बैरेज है जिसका नाम है फारक्का बैरेज प्रोजेक्ट, तो उसमें भी आपका वैकेंसी है जो कि इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल में तीनों में वैकेंसी है। और उसके साथ ही MES मिलिट्री इंजीनियर सर्विसिंग है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे अभी वैकेंसी निकला है, तो एक बढ़िया मौका है। जो कैंडिडेट डिप्लोमा क्वालिफिकेशन पास किए हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, तो आप जरूर इसको अप्लाई कीजिए। और साथ ही साथ यहाँ पे और भी बहुत ही सारा ये नोटिफिकेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके कैसे आपके डाउनलोड करना होगा वो भी दिखा दूंगा। और साथ में वीडियो के नीचे लिंक भी ऑफिशियल वेबसाइट में आके ये PDF डाउनलोड करके देखना होगा। तो और बात करें यहाँ पे एज लिमिट के 1/1/2021 के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से आपके एज जैसे कि आप देख रहे हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप सिविल से अप्लाई किए तो 30 ईयर्स, अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी 30 ईयर्स, और अगर सेंट्रल यानी कि CPWD में आप सिविल के लिए अप्लाई करें तो 32 ईयर्स। तो ऐसे ही 1-2 साल कम ज़्यादा और रिलैक्सेशन जो भी मिलता है आप तो जानते होंगे आप सभी लोग, जो कि SC ST OBC गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल ये वैकेंसी का जो एज लिमिट है वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन यहाँ पे क्या हुआ है, और भी है बहुत सारा कुछ, तो एक बार जरूर चेक क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखिए, जो जूनियर इंजीनियर सिविल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में उसमें आपके डिग्री या फिर डिप्लोमा 3 ईयर्स का सिविल में होना चाहिए, और उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और उसके साथ जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में उसमें भी सेम, अगर आपके पास डिग्री है या फिर अगर डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ 2 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर आपके पास खाली डिग्री है तो आपका BTEC या डिग्री है इक्विवेलेंट, BTEC के इक्विवेलेंट, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए।
और अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये जो ऑर्गेनाइजेशन वो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और बाकी जो CPW है उसमें आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं मेंशन किया है, खाली आपका डिप्लोमा सिविल में इलेक्ट्रिकल में जो भी है पे आपका होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक बार आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी डिटेल्स में देख सकते हैं। तो ये एक बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी था जो मैंने आपके साथ शेयर किया और आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की। आई होप आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे बेसिक जो जानकारी था वो आपका कंप्लीट हो चुका होगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको तो आना ही होगा ऑफिशियल वेबसाइट, और ऑनलाइन में फिलअप करने के लिए भी आना होगा। तो इसके लिए आपका जो फ़ी, आपका एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे कुछ इस तरह है, 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 100 रुपीज़ चाहिए। और उसके साथ ही जो कि SC यानी कि सीरियल ट्राइब और ST PWD कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, यानी कि जनरल के लिए और OBC के लिए यहाँ पे 100 रुपीज़ आपको पेमेंट करना होगा, जो कि ऑनलाइन में पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देखते हैं और भी डिटेल्स क्या है। तो फ्रेंड्स, ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आप देख सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है वीडियो के नीचे पहले लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, और फिर जैसे क्लिक करेंगे इसी पेज में आपको आप चले आएंगे। तो आने के बाद अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर आपका पहले से रजिस्टर नहीं किया है तो न्यू यूज़र के लिए आपको पहले रजिस्टर करना होगा। अगर रजिस्टर आप ऑलरेडी कर चुके होंगे तो यहाँ पे आपका जो रजिस्टर आईडी और पासवर्ड डाल के और यहाँ पे आपको एक कैप्चा डाल के लॉग इन करना होगा। तो आई होप ये समझ चुके होंगे। और उसके साथ अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन और अदर जानकारी, तो यहाँ पे देखिए 1 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन आया है जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए मैं अभी जो जिसके बारे में बोला जो भी आपको दिखाया, तो ये इसमें जाके क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही आपके लिए आसान होगा। तो ये एक जानकारी था और भी इसके साथ, तो आप ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। कोई भी इंक्वायरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर और नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब गाइड। जय हिंद दोस्तों।